कि ये सरकार जो है ये गरीबों का हवाला देकर के गरीब को बेकार कर दिए हैं। ये मेरा देश नफसी नफसी का आलम है। इन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी कि हम देश झुकने नहीं देंगे, देश बिकने नहीं देंगे, लेकिन ये देश को भी झुका रहे हैं, ये देश को भी बेच दे रहे हैं, हर संपत्ति को बेच दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है ये अंबानी की पार्टी है, ये अडानी की पार्टी है, ये सिर्फ देश को जो है गुलाम बनाने के चक्कर में। आने वाले दिनों में यही अगर परिस्थिति रहा तो नेपाल से भी बदतर हमारे देश की परिस्थिति हो जाएगी। ये अग्निपथ का जो अभी स्कीम भारत सरकार द्वारा आया है, इससे पहले हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जय जवान जय किसान, लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है ना जवान के हैं ना किसान के हैं। आपने देखा होगा कि एक साल पहले हमारे 1000 किसान भाइयों को हमने खोया है, तो ये सरकार ना जवान का है ना किसान का है। किसान समझ लिया, 1000 किसान परिवार को हम लोगों ने खोया। आज देखिए नौकरी का झांसा, ये 4.5 साल 17 साल के उम्र में ये स्कीम जो अग्निपथ आया है उसको 21 साल के अंदर में रिटायरमेंट होना हो जाएगा, तो वो नौजवान क्या करेगा? 21 साल कोई उम्र होता है? 21 साल के बाद में उसको फैमिली, उसका परिवार, उसका संसार कौन चलाएगा? तो ये मोदी सरकार जो है ये सिर्फ जुमला लोगों को, इन्होंने 10 करोड़ का वादा, मतलब 5 साल में 10 करोड़ नौकरियां का वादा किया था, लेकिन इन्होंने तो नौकरी का दिया नहीं। तो ये नया एक स्कीम निकाल करके के हम अग्निपथ स्कीम निकाल करके नौजवानों को हम नौकरी देंगे और 4 साल के मतलब इसमें रिटायर कर देंगे, तो वो नौजवान कहाँ जाएगा? ना उसका वो घर का रहेगा ना घाट का रहेगा, वो समझ लिए ना उससे कोई शादी करेगा ना उसका ब्याह करेगा, ये तो परिस्थिति है। तो ये हमारा जो मौजूदा जो सरकार है हम इनको कंडेम करते हैं। अग्निपथ जो मतलब ये स्कीम लाया है इनको भारत सरकार को वापस लेना चाहिए। और मैं मोदी हुकूमत को बोलना चाहता हूँ, ये जो इतना 1000 करोड़ से ऊपर सरकारी संपत्तियों का जो नुकसान हुआ है, सैकड़ों ट्रेनों को जलाया गया है, बस अड्डे को जलाया गया है, हमारी जितने भी सरकारी जो भी जगह है उसको इन लोगों ने आगजनी से ही किया गया है, उसका भरपाई कौन करेगा? हम मुख्यमंत्री बुलडोजर वाले मुख्यमंत्री जो वहां के उत्तर प्रदेश के हैं उनको मैं बोलना चाहता हूं इंसाफ बंगला चैनल के माध्यम से कि इन उपद्रवों के ऊपर में इनके घरों पर बुलडोजर कब चलेगा? सिर्फ मुसलमानों के घरों में बुलडोजर चलेगा? उसने क्या किया? उसने सिर्फ एक काम किया कि सिर्फ पत्थर फेंका था, पत्थर फेंकने की सजा ये उनके घरों में बुलडोजर चला रहा है। ये भारत देश ये सेकुलर कंट्री है, इसमें सभी धर्म के लोगों को इक्वल अधिकार दिया गया है। मैं भारत सरकार मोदी सरकार जी से मैं बोलना चाहता हूँ कि आप क्यों कब इन लोगों के घरों में मतलब बुलडोजर चलवा रहे हैं? इसलिए अगर इस तरह का बुलडोजर उन लोगों के घर में नहीं चलता है तो इस तरह से क्या होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को जो है टारगेट बना करके आप ये काम कर रहे हैं कि ये जो भारत में ये समझ लिए जो पिछले 8 साल हो गया है पूरा समझ लिए मेरा देश नफसी नफसी का आलम है। इन्होंने कहा था कि मैं देश नहीं बिकने देंगे, मैं देश नहीं झुकने देंगे, देश की हर एक संपत्ति जहां से लाल किला जहां से संबोधित किया जाता है हर 15 अगस्त और 26 जनवरी के शुभ अवसर पर वो भी जगह हमारा गिरवी रखा गया है, हमारा रेल को बेच दिया गया है संपत्ति जो है, आज हमारे हवाई अड्डे को बेच दिया गया है। तो ये कैसी सरकार? ये सिर्फ जो है लुभाने की सरकार है। कि आरएसएस के प्रमुख ने कहा है कि अगर मैं चाहूं, अगर आरएसएस चाहे तो 3 दिन में फौज तैयार कर सकती है, तो वो मैं बोलना चाहता हूँ वो कौन सा फौज? यही अग्निपथ वाली फौज जो रिटायरमेंट होगा यही इसी को आप इस्तेमाल करेंगे क्या? इसका मतलब है कि देश को जो है कहीं न कहीं हम लोग बर्बादी की ओर जा रहा है। हम तमाम वर्ग के लोगों से बोलना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो देश को बर्बाद करने के चक्कर में लगे हुए हैं, इन्होंने अगर 10 करोड़ लोगों को अगर 5 साल में नौकरी दिए होते तो आज समझ लिए कितने लोगों का जीना खाना ये होता, लेकिन हमारे जो पूरे भारत में संपूर्ण 135 करोड़ की आबादी में मेरे 110 करोड़ हिंदू भाई रहते हैं, लेकिन 110 करोड़ हिंदू भाई का पॉकेट से पैसा निकाल करके 100 जो इनके फ्रेंड है, इनके जो 100 बंधु हैं, उनको ये पैसा जो है
पूरा देश का सौंपना चाहते हैं और देश के जो हमारे हिंदू भाई को है ये गुलाम करने मांग रहे हैं, ये परिस्थिति है। भारत के तमाम वर्ग के लोगों से, हर समुदाय के लोगों से निवेदन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मुक्त भारत ऐसा बनाइए कि भारतीय जनता पार्टी से मुक्त होकर के आप जो भी पार्टी जिसको अच्छा उनके अलावा जो देश में काम कर सके ऐसे पार्टी को बनाइए, इसलिए कि ये सरकार जो है ये गरीबों का हवाला दे करके गरीब को समझ लिए कि ये बेकार कर दिए हैं। आज इतना देश के नफसी नफसी का आलम है और हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन मिल करके एक ऐसा भारत बनाए के मतलब एक मिसाल हो। इन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी कि हम देश झुकने नहीं देंगे, देश बिकने नहीं देंगे, लेकिन ये देश को भी झुका रहे हैं, ये देश को भी बेच दे रहे हैं, हर संपत्ति को बेच दे रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये अंबानी की पार्टी है, ये अडानी की पार्टी है, ये सिर्फ देश को जो है गुलाम बनाने के चक्कर में आने वाले दिनों में यही अगर परिस्थिति रहा तो नेपाल से भी बदतर हमारे देश की परिस्थिति हो जाएगी। हमारे 135 करोड़ जो भारतीय हमारे ये हमारे भाई है इन लोगों को खाने पर मोहताज हो जाएगा, ये परिस्थिति है। तो हम आने वाले तमाम जगह भारतीय जनता पार्टी मुक्त पार्टी मतलब देश को अगर बचाना अगर होगा तो मोदी सरकार को गद्दी से उतारना होगा। हर हाल में ये संकल्प ले के भारतीय जनता पार्टी को मुक्त कर करके दम ले।